हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जहाँ होंगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग सनातन धर्म के बारे में जानेंगे, आखिर सनातन धर्म होता क्या है, इसके इतिहास के बारे में भी जानेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। अगर हम बात करें सनातन धर्म, यानी कि बार बार आपने बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी से सुना होगा कि वो सनातन धर्म का ही हमेशा मांग करते, तो आखिर सनातन धर्म होता क्या है, इसकी बहुत सारी खूबियों के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। सनातन धर्म अपने हिंदू धर्म के वैकल्पिक नाम से भी जाना जाता है। वैदिक काल में भारतीय उपमहाद्वीप के धर्म के लिए सनातन धर्म नाम मिलता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, अर्थात जिसका ना आदि है ना अंत। सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है जो किसी समय पूरे विभत्तर भारत भारतीय उपमहाद्वीप तक व्याप्त रहा। यह एक समय तक विश्वव्याप्त रहा, परंतु विभिन्न कारणों से हुई भारी धर्मांतरण के उपरांत भी विश्व के इस क्षेत्र की बहुसंख्यक जनसंख्या इसी धर्म में आस्था रखती है। वैज्ञानिकों और रिसर्च के मुताबिक यह धर्म लगभग 64,00,000 वर्ष पुराना है। अब इसकी अगर हम लोग इतिहास की बात करें तो यह पथ सनातन है। समस्त देवता मनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए हैं तथा प्रगति की है। हे मनुष्य, आप अपने उत्पन्न होने की आधार रूपा अपनी माता को विनिष्ट ना करें। यह ऋग्वेद की 3:8 पेज पे लिखा हुआ है। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म भी कहा जाता है, भारत और आधुनिक पाकिस्तानी क्षेत्र की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं। इनमें से एक अज्ञात मृत्यु मातृदेवी की मूर्तियाँ, शिव पशुपति जैसे देवताओं की मुद्राएं, लिंग पीपल की पूजा इत्यादि प्रमुख है। इतिहासकारों की एक दृष्टिकोण के अनुसार इस सभ्यता के अंत के दौरान मध्य एशिया से एक अन्य जाति का आगमन हुआ जो स्वयं को आर्य कहते थे और संस्कृत नाम की एक हिंदो यूरोपीय भाषा बोलते थे। एक अन्य दृष्टिकोण के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्वयं ही आर्य थे और उनका मूल स्थान भारत ही था। प्राचीन काल में भारतीय सनातन धर्म में गणपत्य, शिवदेव, कोटि, वैष्णव, शाक्त और सौर नाम के 5 संप्रदाय होते थे। गणपत्य गणेश की, वैष्णु विष्णु की, शिवदेव कोटि शिव की शक्ति और सूर्य की पूजा आराधना किया करते थे। पर यह मानता थी कि सब एक ही सत्य की व्याख्या है। यह न केवल ऋग्वेद परंतु रामायण और महाभारत जैसे लोकप्रिय ग्रंथों में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है। प्रत्येक संप्रदाय के समर्थक अपने देवता को दूसरे संप्रदायों के देवता से बड़ा समझते थे। इस कारण से उनमें वमनस्व बना रहता था। एकता बनाए रखने के उद्देश्य से धर्मगुरुओं ने लोगों को यह शिक्षा देना आरंभ किया कि सभी देवता समान हैं। विष्णु शिव और शक्ति आदि देवी देवता परस्पर एक दूसरे के भी भक्त हैं। उनकी इस शिक्षाओं के तीनों संप्रदायों से मेल हुआ और सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई। सनातन धर्म में विष्णु शिव और शक्ति को समान माना जाता है और तीनों की संप्रदाय के समर्थक इस धर्म को मानने लगे। सनातन धर्म का सारा साहित्य वेद पुराण श्रुति स्मृतियाँ उपनिषद रामायण महाभारत गीता आदि संस्कृत भाषा में रचा गया। कालांतर में भारतवर्ष में मुसलमान शासन हो जाने के कारण देवभाषा संस्कृत का ह्रास हो गया तथा सनातन धर्म की औन्नति होने लगी। इस स्थिति को सुधारने के लिए विद्वान संत तुलसीदास ने प्रचलित भाषा में धार्मिक साहित्य की रचना करके सनातन धर्म की रक्षा की। जो औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन की ईसाई मुस्लिम आदि धर्म को मानने वाले का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए जनगणना करने की आवश्यकता पड़ी तो सनातन शब्द से अपरिचित होने के कारण उन्हें यहाँ के धर्म का नाम सनातन धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म रख दिया गया। इसकी अगर हम लोग स्वरूप की बात करें तो सनातन में आधुनिक और समसामयिक चुनौतियों का सामना करने के लिए इसमें समय समय पर बदलाव होते रहे, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद आदि ने सती प्रथा, बाल विवाह, अस्पृश्यता जैसे असुविधाजनक परंपरागत कृतियों से असहज महसूस करते रहे। इन कृतियों की जड़ों धर्मशास्त्रों से मौजूद उन श्लोकों मंत्रों को छेपक कहा या फिर इन अर्थों को बदला, इन्हें ताजय घोषित किया तो कई पुरानी परंपरा या पुनरुद्धार किया जैसे विधवा विवाह स्त्री शिक्षा आदि। यद्यपि आज सनातन का पर्याय हिंदू है पर सिख बौद्ध जैन धर्मावलंबी के सनातन धर्म का हिस्सा है, क्योंकि बौद्ध भी अपने को सनातनी कहते हैं। यहाँ तक कि नास्तिक जो कि चवाक दर्शन को मानते हैं वह भी सनातनी है। सनातन धर्म के लिए किसी विशिष्ट पद्धति कर्मकांड वेशभूषा को मानना जरूरी नहीं है।
बस वह सनातन धर्मी परिवार में जन्मा हो, वेदांत मीमांसा चरवाक जैन बौद्ध आदि किसी भी दर्शन को मानता हो, बस उसके सनातनी होने के लिए पर्याप्त। सनातन धर्म की गुत्थियों को देखते हुए कई बार इसे कठिन और समझने में मुश्किल धर्म समझा जाता है। हालांकि सच्चाई तो ऐसी नहीं है, फिर भी इसके इतने आयाम इतने पहलू है कि लोग बाग कई बार इसके लिए भ्रमित हो जाते। सबसे बड़ा कारण इसका यह है कि सनातन धर्म किसी एक दार्शनिक मनीषा या ऋषि के विचारों की उपज नहीं है, ना ही किसी खास समय पैदा हुआ है, या तो अनादिकाल से प्रवागमान और विकास मान रहा। साथ ही यह केवल एक दृष्ट सिद्धांत तथा तर्क को वरीयता नहीं देता। सनातन धर्म की अगर मार्ग की बात करें, विज्ञान जब प्रत्येक वस्तु विचार और तत्व का मूल्यांकन करता है, तो इस प्रकार में धर्म के अन्य विश्वास और सिद्धांत धराशायी हो जाते हैं। विज्ञान की सनातन धर्म को पकड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ है, किंतु वेदांत में उल्लेखित जिस सनातन सत्य की महिमा का वर्णन किया गया है, विज्ञान धीरे धीरे उसमें सहमत होता नजर आ रहा है। विश्व शांति राष्ट्र जो सिर्फ वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित और इससे अधिक निवासी मूलतः ईसाई थे, बाद में हिंदू हुए, यह राष्ट्र वैज्ञानिकों का राष्ट्र, यहाँ के अधिक निवासी नासा आदि वैज्ञानिक संगठन के प्रभुत्व अध्यक्ष व कार्यकर्ता। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान की मोक्ष की गहरी अवस्था में ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्य को जानकर इसे स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया। वेदों में भी सर्वप्रथम ब्रह्मा और ब्रह्मांड के रहस्य पर दो पर्दा हटाकर मोक्ष की धारणा को प्रतिपादित कर उसके महत्व को समझाया गया था। मोक्ष के बगैर आत्मा की कोई गति नहीं है, इसलिए ऋषियों ने मोक्ष के मार्ग को ही सनातन धर्म माना था। सनातन धर्म की ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।